गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी का आपके अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि अपन लास्ट क्लास से चैप्टर चलता आ रहा था टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का अपना पार्ट टू उसका चलता आ रहा है, टाइप जीरो टाइप वन उसी टाइप से चलता आ रहा है। आज अपन क्वेश्चन करेंगे इसकी कार्य क्षमता पर आधारित। जैसे कि लास्ट क्लास में अपने समय पर आधारित क्वेश्चन किए थे, आज अपन उसकी नॉर्मली अपन को बेसिकली कार्य क्षमता दी जाएगी। दो व्यक्ति दे रहे हैं, दो की कार्य क्षमता का अनुपात दे देगा। तीन व्यक्ति कर रहे हैं, तीन व्यक्ति की कार्य क्षमता का अनुपात दे देगा। और तीनों पर्टिकुलर टाइम में कितने समय में या कुल टाइम दे देगा, या उसको एक का टाइम दे देगा और एक दूसरे का पूछ लेगा, दोनों का मिला के पूछ लेगा। इस प्रकार से आज अपन टोटल क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। देखो अपना ये क्लास थ्री है, आई थिंक अब तक की पढ़ाए हुए में टाइम एंड वर्क के चैप्टर में पढ़ाए हुए दो क्लास अपनी हो चुकी हैं। और जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन करवाए थे, वहां तक मेरे को किसी को लग नहीं रहा कि डाउट होगा, लेकिन फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही आज हर एक वीडियो के एंड में कम से कम अपने पास जितना टाइम बचेगा उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ये नहीं बोलूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, मैं बोलूंगा इस टाइप के और इस लेवल के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्लास के एंड में सभी वीडियो को एंड तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हम इस प्रकार लास्ट में 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना अपने पास टाइम बचता है वो क्वेश्चन अपन बोर्ड पे लिखेंगे और उस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और साथ में आप भी सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे जाना, ठीक है। बैक टू पॉइंट, अपन क्लास के रिविजन पे आते हैं कि अपन आज इसके बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, या इसको बोले कि कार्य क्षमता पर आधारित, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार समझना है बाकी कुछ नहीं करना। बोलेगा कि ए तथा बी दो व्यक्ति हैं, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। आपको बोला गया कि कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है और दोनों मिलकर इस कार्य को, दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है और दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, वही सारे पुराने क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आदमी पहले अकेले ए से करवाएगा, अकेले बी से करवा लेगा, फिर ए को काम पे बुला के पहले दिन ए काम पे आएगा, दूसरे दिन काम पे बी आएगा, फिर ए काम पे आएगा, फिर बी काम पे आएगा। जैसे कि अल्टरनेट करवाया था कल की, एक दिन कार्य पे बी आ रहा है, यहाँ पे कार्य की शुरुआत ए कर रहा है, फिर नेक्स्ट पूछेगा कि कार्य की शुरुआत अगर बी से हो फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। चलो पहले शुरू करते हैं आज की क्लास में। बोला कि कार्य क्षमता, यानी आपको ये बोला गया है कि ए किसी कार्य को 3 दिन में, उसकी कार्य ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात आपके सामने 3:2 दे रखा है, यानी कार्य क्षमता का अनुपात आपके साथ गिवन है और आपको लगा है कि दोनों 10 दिन में कर रहे हैं, दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, तो आप इजीली उसको मान लोगे कि 5 है। यानी एक दिन में दोनों पर्टिकुलर टाइम में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, और 10 दिन में कितना काम करेंगे, और टोटल 50। आपको पूछा गया कि ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो जिसकी जितनी कार्य क्षमता उसमें उसका डिवाइड करते जाओ कि ए वो काम कितने दिन में, 10-50 काम पूरा करवाना है और किस एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो यानी 17-16 सही 2/3 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन इसी में पूछा जाएगा कि बी के द्वारा किया गया कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 50 कार्य है और एक दिन में 2 काम करता है तो कितने दिन लगा देगा वो, 25 दिन। आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बोलेगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है तो इनके द्वारा लगे समय का अनुपात निकालना है, तो ये बात अपनी नोट करके लिख देना, डबल डबल नोट करके, डबल डबल स्टार करके, 3 स्टार करके लिख दो कि कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है, या समय का अनुपात कार्य क्षमता के अनुपात के विपरीत होता है। यानी ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है तो इनके समय का, लगने वाला समय का अनुपात कितना होगा,
2:3, यानी जो काम तेजी से करेगा उसमें समय उतना ही कम लगेगा, जो काम जितना धीरे करेगा उसमें समय उतना ही ज्यादा लगेगा। यानी अपन ने या यहाँ तो मैंने बताया है, इस बात को प्रूव कैसे करेंगे कि इस व्यक्ति को कितने, यानी इनके समय का अनुपात, इसको 16 से 2/3 लग रहे हैं, यानी इसको 50/3 दिन का समय लग रहा है, इसको 50/2 दिन का समय लग रहा है, ठीक है। और मैं इसको यहां से काट दूं 50, यानी 1/3 1/2, ठीक है, 1/3 और 1/2 इनके समय का अनुपात, यानी दोनों को एलसीएम ले लो 6 और मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको कितना लग गया 2 और इसको कितना समय लग जाएगा 3। यानी कहने का मतलब ये निकला, कहने का निष्कर्ष ये निकला है कि ए तथा बी की अगर कार्य क्षमता दे रखी है तो इनका समय का अनुपात एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यदि कार्य पे पहले ए काम करता है फिर कार्य पे बी काम करता है, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। कार्य पे पहले 50 काम करवाना है, कार्य पे पहले दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी आ रहा है, फिर तीसरे दिन ए आ रहा है, फिर चौथे दिन बी आ रहा है, ठीक है। यानी पहले दिन काम कितना हो रहा है 3, दूसरे दिन काम कितना हो रहा है 2, तीसरे दिन काम कितना हो रहा है 3, दूसरे चौथे दिन काम कितना हो रहा है 2, यानी 2 डेज में काम कितना हो रहा है 5 हो रहा है। अब आप इसके पास से लेके जा रहे हो 50 है काम पूरा करवाना है, और इसको भी 10 से करोगे तो इसको भी 10 से करोगे, यानी 20 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपने क्वेश्चन में इसको 10 से 2 दिन में काम कितना हो रहा है और 20 दिन में पूरा 50 काम, 20 दिन कैसे हुआ कि एक दिन काम पे कौन आ रहा है ए, दूसरे दिन काम पे कौन आ रहा है बी, इस प्रकार से 20 दिन लग जाएंगे टोटल, क्योंकि दोनों साथ नहीं आ रहे। यहाँ क्या कर रहा है कि कई ये पूछेगा सर आप तो बताए थे कि क्वेश्चन में दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, लेकिन कहने की क्या है कि यहाँ दोनों साथ नहीं आ रहे, यहाँ एक दिन एक आता है फिर दूसरे दिन ए छुट्टी पे रहेगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा और बी छुट्टी पे रहेगा, ऐसे अल्टरनेट चलता रहता। इससे और भी आगे क्वेश्चन बनते हैं फिर, लेकिन आज यहीं पे अपन शुरुआत करते हैं कि कार्य क्षमताओं पर आधारित क्वेश्चन के बोल इस प्रकार होंगे और अपन को सॉल्यूशन इस प्रकार करना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 के आ सकते हैं 3 के आ सकते हैं 4 के आ सकते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा के लिखो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। आपको हर एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद आप उसी प्रकार के क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको उठा के कर दोगे। ये मेरा समझाने का फंडा है कि मैंने उसको अलग एक जगह कॉमन नहीं किया, अलग अलग लेके और अलग अलग बता रहा हूं, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है और दोनों मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपके सामने इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि इस कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा इसी कार्य को अकेला बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। यानी इसी कार्य को बी से करवाना है, अकेला कितने दिन में करेगा, तो अपन इस बात को ऐसे लिखेंगे, सोल्व करेंगे पहले कि आपको सीधा गिवन है एक ही कार्य क्षमता जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, एक ही है कि ए जहां 4 काम करता है वहां पे बी कितना काम करता है 5 काम करता है। इसका कहने का तात्पर्य इतना ही है। अब देखो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने डेज की बात कर रहा है, डेज में कितने डेज में फिनिश हो रहे हैं 20 डेज में लग रहे हैं, ठीक है, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों
नाइन काम, यानी यहां से क्या करेंगे अपन टोटल वर्क निकाल लेंगे कि ए और बी के द्वारा 9 दिन में टोटल वर्क कितना हो गया, 20 × 9। मल्टीप्लाई करो तो भी अच्छी बात है, नहीं करो तो भी अच्छी बात है। अब आपसे पूछा है कि अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो 20 × 9 ये टोटल वर्क है और ए की एफिशिएंसी का डिवाइड कर दोगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपन को मिल जाएगा ए कितने दिन में करेगा, 45 डेज में। अगर इसी कार्य को बी से करवाएं, ठीक है, तो वही 20 × 9 पूरा काम है और एक दिन में 5 काम करता है तो ये कितने कर देगा, 4 में, और करके देखो कि 36 डेज में। यहां तक के दोनों क्वेश्चन ऑब्वियसली क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा कि अल्टरनेट ए काम कर रहा है, अल्टरनेट बी काम कर रहा है, यानी एक दिन ए काम करेगा एक दिन बी काम करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप आगे मूव कर सकते हो, पढ़ सकते हो, यहां तक नोट डाउन करो, फिर इससे आगे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं 3 व्यक्तियों के 4 व्यक्तियों के जो कार्य क्षमता होगी उसके बेस पे करवाएंगे। अगर यहां पे 3 आदमी हो 4 आदमी हो, पहले 3 आदमियों का एक क्वेश्चन करवा लेते हैं, फिर आगे कैसे कैसे मूव होगा वैसे वैसे हर प्रकार के क्वेश्चन अपन करते चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दूसरा मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ए बी सी की कार्य क्षमता, ए बी व सी, ए बी तथा सी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5:6 है, 4:5:6 है, और दोनों तीनों मिलकर इसी कार्य को बीस डेज में पूरा कर सकते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यही बनता है, क्वेश्चन नंबर एक की इस कार्य को अकेला ए कितने दिन में करेगा, दूसरा इस कार्य को अकेला बी कितने दिन में करेगा, इसी कार्य को इसमें तीसरा क्वेश्चन बनेगा अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, इसके सामने चौथा क्वेश्चन अगर ए तथा बी दोनों को मिलाकर इस कार्य पर लगाया जाए तो कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे अकेला ए अकेला बी, क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट लिख सकते हो और आप उसकी लैंग्वेज खुद बना के लिख सकते हो कि इसी कार्य पर अगर अकेले ए से करवाया जाए तो कितने दिन में पूरा होगा, अकेले बी से करवाया जाए तो कितने दिन में पूरा होगा, ए और बी दोनों को मिला के करवाया जाए तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यहाँ बी प्लस सी दोनों को लगाया जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन बन जाता है कि ए तथा सी को कार्य पे लगाया जाए तो कितने दिन लगेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे अपने, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे कैसे क्वेश्चन अपने बढ़ते जाएंगे, यानी कार्य की शुरुआत पहले दिन ए और बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले दिन कार्य ए तथा ए प्लस बी करते हैं तथा दूसरे दिन ए के साथ सी कार्य पर आता है, ए के साथ सी कार्य पर आता है, और इसी प्रकार कार्य को एकांतर रूप से करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन 7वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने इस वीडियो को, जिसने भी टाइम एंड वर्क पे जितने भी वीडियो बनते हैं, जिसने हर वीडियो को अच्छे से देख लिया, मैं गारंटी देता हूं वो इस चैप्टर को चुटकियों में विद इन द 10 सेकंड 15 सेकंड में हर एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर देगा। देखो कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा आपको 4:5:5:6 दे रखा है, और तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो आपके सामने पहला क्वेश्चन पुट होता है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में, दूसरा तीसरा क्वेश्चन अकेला सी, फिर ए और बी दोनों को कार्य पे लगाया गया, फिर बी और सी दोनों को कार्य पे लगाया, फिर ए और सी दोनों को कार्य पे लगाया। ठीक है, यहां तक सभी क्वेश्चन नॉर्मली है। फिर देखो कि कल की क्लास में यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि ए और बी को अल्टरनेट, पहले दिन ए और बी काम पे आते हैं, दूसरे दिन ए और सी आते हैं, बी दूसरे दिन छुट्टी पे रहता है, फिर तीसरे दिन ए सी छुट्टी पे रहेगा, बी साथ करेगा, ऐसे कार्य करवाना है। करो जल्दी से सॉर्ट आउट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो आपके सामने 30 सेकंड का टाइम है, करते चलो इस क्वेश्चनों को। देखो सॉल्यूशन करते हैं, कार्य बोल रखा है चार पांच छह, इसकी एफिशिएंसी यानी ए की बी की और सी की कार्य क्षमता 4:5:6, यानी तीनों की 4 5 9 6 15, यानी कि टोटल एक दिन में काम करने वाले टोटल कितने हैं, 15 काम हो रहा है, और काम ऐसा ही 15 काम करते हुए निरंतर कितने दिन चल रहा है, 20 दिन चल रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पुट हो रहा है कि ए इस कार्य को कितने दिन में करोगे, यानी ए की एफिशिएंसी अपने पास 4 है तो अपन उस 4 का भाग दे देंगे, तो ए का आंसर जिसका आंसर आ जाए उसको राइट करना है 75 डेज। ए का इस कार्य को पूरा करने के लिए 75 दिन लगेंगे। वहीं बी की अगर बात करें तो 15 × 20 और डिवाइड में 5, इस बात को ऐसे लिखेंगे तो 15 × 4 = 60, यानी बी अकेला इस कार्य को 60 डेज में कम्प्लीट कर देगा। फिर अगर ऐसे सी की बात करें 15 × 20 / 6, आपको दो की टेबल आती है तो 10 बार और 3 बार, फिर यहां से इसको काट दो। अकेला अगर सी इस कार्य पे आएगा तो 50 दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा। अपने अपने आंसर मैच करते जाना इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। आपके सामने 7 क्वेश्चन मैंने पुट करे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वही काम है 15 × 20 यानी 300 काम है, 300 यूनिट काम है, किससे करवाना है, ए और बी दोनों से मिलकर करवाना है, ए और बी दोनों से मिलकर करवाए। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, यानी 300 काम को 9 दिन में करवाना है, तो 3 का डिवाइड 3 3 9 3 5 15, यानी कि 100/3 दिन में पूरा करेंगे। 100/3 दिन को अपन लिख सकते हैं 33 सही 1/3 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बी और सी से यही काम अपन को बी और सी से करवाना है, तो वही 15 × 20 काम है, और बी और सी, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है, दोनों मिलके 11 काम करते हैं, तो यानी काम होएगा 300/11 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ए और सी की, यहाँ वही काम 300 है, और काम ए और सी यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है, टोटल 10 काम करते हैं, दोनों मिलकर इस काम को पूरे कंप्लीट कितने दिन में कर देंगे, 30 डेज में कर देंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और जिसको डाउट हो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिसकी कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की कार्य क्षमता 5 है, सी की कार्य क्षमता 6 है, आपको दे रखी है, तीनों मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो देखो 20 दिन यानी कुल काम निकालना है, एक दिन में टोटल 15 काम कंप्लीट हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ए 4 कर रहा है, बी वहीं पे 5 कर रहा है, सी वहीं पे 6 कर रहा है, यानी 4 5 9 6 15 काम एक दिन में हो रहा है, और ऐसे पैरेलली 20 दिन चल रहे हैं, तो 20 दिन में कितना काम कर देंगे, 15 × 20, ये कुल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब आपसे ए का पूछा है तो एक दिन में ए कितना काम करता है उसका डिवाइड कर दो, आपसे बी से पूछा है तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है उससे डिवाइड कर दो, सी से पूछा है तो सी का डिवाइड कर दो, ए बी दोनों का पूछा है तो ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में 5 कर रहा है, दोनों 9 काम कर रहे हैं तो उसका डिवाइड कर दो, बी सी का पूछा है तो 300 काम है टोटल, बी और सी एक दिन में 5 बी कर रहा है, सी एक दिन में 6 कर रहा है, टोटल इसका डिवाइड कर दो। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को अगर ए सी दोनों मिलकर करवाना है तो 300 काम है, और ए और सी दोनों, ए 10 4 काम कर रहा है, बी 6 काम कर रहा है, टोटल एक दिन में 10 काम हो रहा है, इसका डिवाइड कर दो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का देखो कैसे करना है, पहले दिन कार्य पे कौन आ रहा है, फर्स्ट डे काम पे आ रहा है ए बी, फिर दूसरे दिन काम पे कौन आ रहा है, ए सी, ऐसे आ रहा है, ए एक दिन में देखो 4 5 6
ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता, टोटल निकाला है 15 गुना 20, काम वही होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले दिन कार्य पे कौन आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, फिर ए सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं, यानी अपना 2 डेज में काम कितना फिनिश हो रहा है, 19 काम फिनिश हो रहा है। ठीक है, अपन को काम कितना करवाना है, 15 गुना 30 यानी 300 काम करवाना है, एक दिन में 19 काम फिनिश हो रहा है, इसको 10 से करेंगे 20 से करेंगे 380 हो जाएगा, 19 से करेंगे 361 हो रहा है, 18 से करके देखो 342 हो जाएगा, 17 से करके देखो और भी नीचे आ जाएगा, 16 से करके देखो, 19 को अगर 16 दिन लगातार करवा के देख सकते हो तो इसके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, पास पास 16 पेयरिंग में 16 9 144, असल आपके पास 16 14 आ गई, 16 कम 16 और 304, यानी ये काम फिर भी 16 दिन होने में भी ज्यादा हो रहा है, तो अपन इसको 15 दिन काम करवा लेते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था कि एग्जैक्ट वैल्यू पास लेके आ जाओ कि जितनी पास हो सके उतने पास, यानी 19 को 15 दिन से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 19 5 95, असल 9 19 से कम 19 और 9 28, यानी कि 19 दिन 15 दिन में इसको 15 दिन से मल्टीप्लाई करा, इसको 15 दिन से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ कितना काम हो गया, 30 पेयर में अपन का 200 285 काम क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इस बात को क्या करना है, अपन ने 15 दिन कंप्लीट हो गए, ए का नंबर, ए बी का नंबर आ गया, बी सी एस सी का नंबर आ गया, अब वापस 15 पेयर कंप्लीट होने के बाद फिर ए बी का नंबर आता है, ए बी नेक्स्ट 31वें दिन कितना काम कर देंगे, 9 काम कर देते हैं, 9 काम कर देते हैं, 294 काम कंप्लीट हो गया और अपने पास दिन लग गए इसके 31। अब काम कितना बचा है, 300 काम में 294 काम कंप्लीट हो चुका है, तो काम कितना बचा है, ओनली 6, और 6 काम किससे करवाना है, अपन को एसी से करवाना है, और एसी रोजाना कितना काम करते हैं, 10 काम कर रहे हैं, तो यानी कि 6/10 ये लग गया, और पहले इसके लग गए थे 31, सही 6/10 को हम लिख सकते हैं, 31 सही 3/5, और ये अपना फाइनल आंसर हो गया, 31 सही 3/5 डेज किसके लगेंगे, जब ए और बी दोनों अल्टरनेटिव, ए के साथ बी आ रहा है, फिर ए के साथ सी आ रहा है, अल्टरनेट आ रहे हैं, तो इस कार्य को ऐसे पूरा किया जाएगा। आई थिंक सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, और फिर नेक्स्ट इसमें यहां तक तो अपन को आपको कार्य क्षमता दे रखी है, नेक्स्ट आपको इसमें क्वेश्चन ये बनता है, चलो इसमें कुछ चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आपको ये बोला गया ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5:6, और आपको यहां बोले कि सी इस कार्य को अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है, देखो मैंने क्वेश्चन के पूरे डेटा चेंज कर दिए, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5:6 और सी इसी कार्य को अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आपके सामने वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे, अगर तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को, देखो पहला क्वेश्चन इसमें बन गया कि सी इसको करता है तो अकेला ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन बन गया कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बनता है इसमें ए प्लस सी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन बनता है 5 नंबर अगर अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन बनता है इसमें अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सेम एज इट इज प्रोसेस है, यही क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन के लिए लेके चलने हैं, बिल्कुल आपके सामने एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन भी बनते जाएंगे, जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ती जाएगी यहाँ पे आपका रिवीजन हर एक क्लास का रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन उठाना है और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है वैसे वैसे उनका आंसर देना है, आपको क्या बोला है कि ए बी सी की कार्य क्षमता, यानी ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5:6 है, और आपको बोला है कि सी को अगर अकेला को इस काम पे लगाया जाता है तो सी इसी कार्य को पूरा 40 दिन में खत्म कर देता है, यानी एक दिन में सी 6 काम करता है, 40 दिन लगातार सी काम आएगा,
तो कुल काम अपन निकाल सकते हैं यहां से 40 गुना 6, कुल टोटल वर्क यहां पे काम आ गया 240। या तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो यहां डायरेक्ट काटने में आसानी रहेगी, एज इट इज रख सकते हो। यानी 40 गुना 6 अपना टोटल वर्क आ गया, ठीक है। आपको जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे इसके आंसर दे दो। ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी 5 और 4 9 और 5 15 काम करते हैं एक दिन में एज इट इज। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से ए बी, यानी 40 गुणा में 6, ए बी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 9। फिर ऐसे ऐसे हर एक क्वेश्चन के आंसर निकालते जाने हैं और हर एक क्वेश्चन के आंसर इसको देते जाने हैं। इसको जल्दी से क्विकली इसको सोल्व करो, फिर आगे इसमें टाइप चेंज करते हैं। यहां तक आपको कार्य क्षमता दे रखी है, अगर आपको कार्य क्षमता नहीं दे रखी है तो कार्य क्षमता बनानी कैसे, आपका अपना टोटली चैप्टर बेस्ड है कार्य क्षमता पर आधारित, तो उसी प्रकार से अपन क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन सोल्व करना, एक से लेकर 6 क्वेश्चन है, अगर आप इसके 6 क्वेश्चन सोल्व कर ले हो तो आपको ये मान लेना कि आपको 60% चैप्टर क्लियर हो चुका है। आपको टाइम एंड वर्क का कैसा भी क्वेश्चन हो 60% चैप्टर क्लियर हो चुका है। आपके पास सिर्फ 40% चैप्टर क्लियर होना बचा है, वो आगे की क्लासों में बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के हिसाब से फिनिश हो जाएगा। आप इसको एसएससी से लेके किसी भी एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, बैंक, राजस्थान पुलिस, पटवारी, किसी भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क जहां पे आपके पास चैप्टर है उसमें इसको यूटिलाइज कर सकते हो। कोई इश्यू नहीं है कि सर आपने इस टाइप के क्वेश्चन इसमें करवा दिए, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे, उसी प्रकार के क्वेश्चन अपन को करवाने हैं तो ये पूरा चैप्टर इससे कवर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में अपन ही मैथ है ना, वो एक अकेले नहीं है कि एनटीपीसी स्पेशली फॉलो की जाए। कुछ लोग मेरे साथी कर्मचारी जो रेलवे में कार्यरत हैं और उनका जीडीसी प्रमोशन का एग्जाम है तो वो उसी के लिए भी बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। मैथ हमेशा यहाँ पढ़ाई नहीं जाती, यहाँ सिखाई जाती है और आपको अच्छे से कवर करनी है। देखो अब इससे बात करते हैं कि क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। नेक्स्ट कार्य क्षमता अगर आपके सामने दी नहीं हो और आपको बनानी है क्वेश्चन नेक्स्ट मिलेगा आपको किस प्रकार से, ये बोलेगा ए बी से 50% अधिक कुशल है, या तो एक लाइन ऐसे मिलेगी, या फिर ये बोलेगा कि ए बी से डेढ़ गुणा ज्यादा काम करता है, ये ऐसे मिलेगा। यानी आपको दोनों ही तरीके से क्या करना है कि जहां ए क्या बोला है, ए बी से 50% अधिक कुशल है, यानी ए जहां ए काम करता है वहां ये कितना करता है काम, डेढ़ काम करता है, या तो इसको ऐसे लिख दो, या यहां या ये 100 काम करता है तो यहां ये कितना करता है 50% अधिक, तो 150 काम करता है। आपको इसको रेशियो बनाना है, 50 × 100, 50 × 300, यहाँ ये 2 काम करता है तो यहाँ ये कितने काम कर देता है, 3 काम कर देता है। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं ए और बी, देखो कैसे आपके सामने बोला है कि जहां ए 1 काम करता है तो वहां ये 1.5 गुना, ठीक है, तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 1 = 3/2, जहां और ये 1 है, दोनों का एलसीएम क्या है, 2 आया, दोनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये यहां बन गया 2 और यहां बन गया 3। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली 4, 5 और 6 रेशियो दे रखा था, लेकिन यहां मैं बोला कि रेशियो नहीं दे रखा, आपको सीधी बात दे रखी है और इसको रेशियो में बनाना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन के बोल होंगे वे चलो देखो। mm-hmm.
क्वेश्चन है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तथा सी बी से 50% अधिक कुशल है। तीनों मिलकर इसी कार्य को, तीनों मिलकर इसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आगे कितने भी क्वेश्चन बने, अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी और बी प्लस सी, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपके सामने यही 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको कार्य क्षमता क्या करनी है, बनानी है। देखो एक क्वेश्चन करके बताता हूं कि कैसे बनानी है, किस तरह से ए बी और सी तीन है। पहले वाले लाइन का मतलब समझो कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी बी जहां पे, ए जहां पे 100 काम करता है वो 25% ज्यादा करेगा, तो कितने काम कर देगा, वहां पे 125 कर देगा। नेक्स्ट वाली लाइन सी बी से कितना कुशल है, 50% अधिक कुशल है। या तो इस लाइन को ऐसे लिख दो कि यहाँ पे ये दे रखा है, तो इसका 150% 125 का 150 बटे में 100, एक तरीका तो ये है डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है, आपको सेम एज इट इज रेशियो में बनाना है, तो दूसरी बात ये है कि ए जहाँ पे 100 काम करता है वहां पे बी कितना कर देगा, 125। ये वाली लाइन खाली छोड़ दो। अब दूसरी लाइन में क्या बोला है कि सी बी से 50% अधिक कुशल है, यानी दूसरी लाइन शुरू कर दो, बी जहां पे 100 काम करता है वहां पे सी कितने काम कर देगा, 50 ज्यादा यानी 150 काम कर देगा। ये बात समझ में आई, जिसको ये बात समझ में आएगी उसको, ये बात कहां से आई थी, ये बात रेशियो से आई है, और इस चैप्टर के लिए प्रतिशत और रेशियो भी मोस्ट है। अगर जिसको रेशियो और प्रतिशत का अब तक वीडियो नहीं देखा है, तो पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने प्लेलिस्ट, जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस का जो सिंबल है उसमें संदीप सर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ के 36-37 वीडियो है, वहां से हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन करवा रखा है। जिसको ये बात नहीं समझ में आई, एक बार मैं बता देता हूं, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो पीछे अपने चैप्टर हैं वो सभी रिवाइज कर ले, ठीक है। 100, 125 और 150, एक तरीका तो ये इसको रेशियो निकालने का। दूसरा तरीका मैंने सामने बताया, अब देखो कि ये बात वहां पे बताई थी आपको रेशियो में कि जो खाली स्थान है वहां पे क्या है, अपना पड़ोस में मकान है और पड़ोस का अगर फ्लैट खाली पड़ा है तो अपन कचरा सबसे पहले कहाँ डालेंगे, कोई ये नहीं डालता कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आएगी, ठेकेदार का वेट करें, लेकिन अपन क्या करेंगे, पड़ोसी के मकान पे सबसे ज्यादा कब्जा किसका होता है, जो पड़ोस में रहता है उसी का। यानी इस कहानी के पीछे इसके सबसे ज्यादा पड़ोस में कौन है, 125, तो वहां पे कौन कवर करेगा 125, यहां पे कौन आएगा 100, यानी कि 100 × 100 रेशो बना लो, 125 × 100 नेक्स्ट 125 × 150, ठीक है। 100 से मेरा ये इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, काटते जाओ, जैसे भी है, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका रेशियो बन जाएगा। 25 की टेबल सभी को आती है, 25 × 400, 25 × 500, 25 × 500, ठीक है। फिर 25 से काटो, 25 × 400, 25 × 400 और 25 × 600। अब देखो कि 4 × 4 = 5, 5, यानी यहाँ पे 16:20:30 बन रहा है, ठीक है। इसको 2 से और काट सकते हो आप, इजीली काट दोगे तो 2 से 8:10:15, यानी कि ट्यूशन जहाँ पे शुरुआत करा था वहां से ए अनुपात बी अनुपात सी की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 10:8:15। आगे बात समझ में, अब एक क्वेश्चन को आगे करते हैं कि तीनों मिलकर इस कार्य को 25 दिन में, यानी जहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए 8 काम कर रहा है वहां बी 10 कर रहा है, सी कितने कर रहा है 15 कर रहा है, तीनों कितने काम कर रहे हैं एक दिन में, 33 काम कर रहे हैं, ठीक है। 15, 10, 25 और 8, 33 और कितने दिन चल रहा है ये काम, 25 दिन चल रहा है, तो यहां से 25 से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल दो,
फिर आपको जो पूछा है अकेला ए, तो अकेले ए की करे क्षमता का भाग दे दो, 33 गुणा में 25 वही टोटल वर्क है, 20 का डिवाइड कर दो और सी का कर दो, ए बी दोनों का कर दो, ए सी दोनों का कर दो, बी सी दोनों का कर दो। आई बात समझ में? अगर किसी को ये वाला रेशियो नहीं बनाना आ रहा है तो ये वाला रेशियो एक बार फिर से बना के बता देता हूं कि 100 जहां पे 100 था वहां पे 125 और 125 गुणा 150 बटे 100, सभी का एलसीएम 100-100 ले लो, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये इससे 100 कैंसिल हो गए, यहाँ 100 गुणा 100, यहाँ 125 गुणा 100, यहाँ 150 गुणा 125, वही कहानी है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक ही है, ठीक है। रेशियो बनाने के दो फॉर्मेट बता दिए हैं, दोनों में जो बेस्ट लगे वही आपका, ठीक है, बाकी सरका है। आपको जो अच्छा लगे ना वो आपका, जैसे बोलते हैं ना अपने घर में एक बुजुर्ग आदमी होता है और जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो क्या बोला जाता है कि भाई सबसे छोटा छोटा तू है तो सबसे अच्छा तेरा है, बच गया वो हमारा है। तो जो आपको जो बेस्ट लगे ना वो आपका है, बच गया वो हमारा है, ठीक है। करो नोटिस, जैसा कि हर क्लास के पीछे अनाउंसमेंट होता है, देखो यहाँ कार्य क्षमता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, वो कल आगे की क्लासों में होंगे। कल एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि कल का अपना एक टेस्ट होगा, जैसा कि हर एक वीक होता है, जितने चैप्टर पढ़ाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। साथ ही आज की जो क्लास में मैंने डेली अनाउंस किया है कि कुछ क्वेश्चन अपने करवाए जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनकी लैंग्वेज से इंपॉर्टेंट है, ना कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन में एग्जाम में एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। तो अपन आज के क्वेश्चन की पहले ही शुरुआत करते हैं कि आज ऐसा कि कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखो जल्दी से बिना कॉपी देर किए हुए कॉपी पेन आपके हाथ में है ही, और साथ में क्वेश्चन को नोट डाउन करना या तो बोर्ड पे देखो, और अगर बोर्ड पे नहीं कर लिखना नहीं है किसी को लिखना है तो वो लिखे, जिसको नहीं लिखना है वो बोर्ड पे देख के भी आंसर दे सकता है, वो उसकी स्पीड पे निर्भर करता है, क्योंकि उसको बोलने से क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो वो ऐसा ही करेगा। अरे लोक लोक रूप लोक हाँ देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको अभी तक करवाया नहीं, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आपको लिखना है, x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा एक कार्य एक्स प्लस 4 व्यक्तियों के द्वारा एक कार्य एक्स प्लस 5 दिनों में पूरा किया जाता है, एक्स प्लस 5 दिनों में पूरा किया जाता है। आई थिंक विजिबल होगा। विजिबल है, एक्स प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा एक कार्य एक्स प्लस 5 दिनों में पूरा किया जाता है। इसी कार्य को x माइनस फाइव व्यक्तियों द्वारा x+20 डेज में पूरा किया जाता है, x+20 डेज में
पूरा किया जाता है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और आपके सामने ऑप्शन है A 20, B 25, C 30 और D 15। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि एक्स एक वेरिएबल नंबर है और उससे चार आदमी ज्यादा एक कार्य को उतने ही आदमी, एक्स वही वेरिएबल संख्या है जो यहाँ पे आदमी थे, यहाँ पे दिनों में पांच जोड़ने के बाद एक काम पूरा होता है, उसी काम को, इसी कार्य को एक्स माइनस उसमें से पांच घटा के और दिनों की संख्या में 20 बढ़ा के इक्वली काम होता है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। करो, आपके सामने हर क्वेश्चन के हिसाब से 30 सेकंड का टाइम है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसका नहीं आया वो देख लो, जिसका आ गया और 20 है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को शॉर्ट से भी और लॉन्ग से दोनों से बताने की पूरा प्रोसेस करेंगे। देखो कि एक काम है MdS/W1=MdS/W2, आपको ये बात है, आपको ये बात बताई है, कब बताई थी, मिश्र अनुपात में बताई थी। यानी एक है मैन है, यहाँ पे मैन है, यहाँ पे डेज है, और W1 में आपको दे नहीं रखा, तो वो उसको क्या, हावर को क्या रखोगे आप, 1 रख सोगे। यानी एक्स प्लस आदमी और इसी कार्य को एक्स प्लस 5 दिनों में कर सकते हैं, और वो काम कितना है, एक काम है, और हावर आप नहीं दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स माइनस 5 आदमी, एक्स माइनस 5 मैन है, और इसी कार्य को एक्स माइनस 20 डेज में पूरा कर सकते हैं, कार्य कितना है, वही एक है। ठीक है, यहां तक इसको सोल्व करना है, द्विघात समीकरण बनेगा, उसको सोल्व करना है, आपको खुद को वैल्यू निकालनी है। दूसरा तरीका क्या हो गया कि जिसको इतना आता है ना, वहां पे वो क्या करेगा, आपके सामने A B C D ऑप्शन है, आप उठा के रखो, और ऑप्शन जिसका मल्टीप्लाई सही हो जाता है वो इसी से कर लो। अपन आप टाइम का अभाव है इसलिए 20 ऑप्शन पुट करके देखते हैं, अपना डाटा दोनों इक्वल होता है तो अपना किया हुआ क्वेश्चन सही है। यानी एक्स प्लस 4 यानी 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24। देखो जिसको नहीं दिख रहा उसके लिए एक बार मैं इसको ज्यादा डार्क कर दिया, चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं। यानी यहां पे मैं एक्स की वैल्यू 20 रखूं तो 24 प्लस, मल्टीप्लाई में देखो दोनों चीजें संख्या मल्टीप्लाई में है, तो यहां कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, यहां मैं रखूं कि 20 इसकी वैल्यू है तो यहां कितनी होगी, 15 मल्टीप्लाई में, यहां पे सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की थी मैंने माइनस रख दिया, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 20 यहाँ पे रखा, 20 ऑलरेडी है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके इक्विवेलेंट है, 25 को 24 से गुणा करने पे 600 प्राप्त होता है, तो 15 को 40 से गुणा करने पे भी 600 प्राप्त होता है, तो यानी कि रखा गया ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। दूसरा फॉर्मेट आपको बेसिक मेथड है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं अपन, x²+4x+5x+20, पहले इसकी मल्टीप्लाई ये हो गई, और इसके इक्विवेलेंट में क्या होगी, x²-5x+20x-100। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बन गया, 9x+20=, यहाँ पे कितना देखो ये इससे घट जाएगा, कितना बन गया, 15x-100। ठीक है, मैं इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आए तो कितना बन गया, यहाँ पे -6x=, ये इधर ले जाएंगे तो -100 और -20, यानी कि 6x=-120, और 120 से माइनस कैंसिल हो गया, x=2 कितना आ गया, 20। यही क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अच्छा लगे वो आपका है, बच गया जो है हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बिन के अंश तथा हर, एक बिन के अंश तथा हर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको मैं एनोमिनेटर बोलते हैं और इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। एनम और डिनम प्रत्येक में से एक बिन के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर भिन्न यानी फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। वही भिन्न अब क्या करना है, वही भिन्न में के अंश तथा हर में, वही भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ने पर, प्रत्येक में एक जोड़ने पर, प्रत्येक में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाती है। तो उस बिन के अंश तथा हर का योगफल क्या होगा, अंश तथा हर का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही पूछे जाते हैं। कोई अगर आपको बोलेगा कि ये रेलवे में पूछा गया है, ये बैंक में पूछा गया है, बैंक में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन होते हैं, जो लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड मार्क्स डीआई के अलावा जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और आपके सामने ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। एक बिन के अंश तथा हर में प्रत्येक में से एक घटाने पर बिन 1/3 हो जाती है। वहीं बिन के अंश और हर में एक जोड़ने पर, यानी यहां पे +1 है, यहां पे -1 है, जोड़ने पर वह 1/2 हो जाती है। तो उस बिन के अंश तथा हर का योगफल क्या होगा। और आपके सामने 30 सेकंड, यू हैव नाउ योर क्वेश्चन, गेट नाउ आंसर। ऑप्शन ए इज 10, बी इज 18, सी इज 7, डी इज 16। स्लो योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगर जिसको इस क्वेश्चन को देख के पसीने आ रहे हैं तो बिल्कुल आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की लॉकडाउन में। 4 महीने का लॉकडाउन हो गया, घर में मजे करें। देखो सॉल्यूशन, कोई भी भिन्न होती है वो किस फॉर्म में होती है, अंश और हर यानी x बटे y की फॉर्म में होती है। ये अपना क्या है, अंश है जिसको एनोमिनेटर बोलते हैं, और ये अपना डिनोमिनेटर जिसको अपन हर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि जैसे जैसे बोल रहा ना वैसे वैसे करता जाओ। यानी पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की हाईलाइट यानी यहाँ पे तक इतना ही पढ़ो आधा पार्ट। अगर किसी बिन के अंश तथा हर में एक घटाने पर, यानी अंश मेरा है x-1 और y-1, हर मेरा ये है, और दोनों में एक ही घटाने पे वो बिन 1/3 हो जाती है। ये अध्याय पूरा हो चुका है, एक कहानी होगी। दूसरी कहानी क्या बोल रहा है, वही बिन है यानी एक्स बटे वाई वही बिन है और दोनों में एक एक जोड़ रहा है, तो वह बिन 1/2 हो जाती है। ये सिचुएशन दूसरी। अब सबको सोल्व करना आता है, इसको देखो सोल्व करो, यानी 3x-3=y-1। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 3x-y=+2। ठीक है, पहला क्वेश्चन का सबसे अच्छा रूप मिल गया अपन को। दूसरे इक्वेशन को अगर यहाँ पे करें तो 2x+2=y+1, यहाँ इसको इधर लेके आएंगे 2x-y=-1, यानी कि इसको लिख दिया मैंने 2x-y=-1। इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सोल्व करने का वही तरीका है, दोनों इक्वेशनों को घटाने पर, यानी इसमें ये घटेगा, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया।
यदि x बराबर 3 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखोगे 9 माइनस वाई इक्वल टू 2, और यहाँ माइनस वाई इक्वल टू माइनस के साथ, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी x की जहाँ वैल्यू x बटे x की 3 है, y की वैल्यू कितनी है 7 है, भिन्न क्या हुई मेरी 3/7, और दोनों के एंस और हर का योग कितना हो गया 10 हो गया। ऑप्शन पहला पहला क्या है अपना, पहला ऑप्शन क्या है सही है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एंस और हर दो आपके से प्रत्येक संख्या में एक हटाने पर, यानी अंश में एक हटा दिया, यानी अंश मेरा था एक्स माइनस एक हो गया, हर मेरा वाई था, यानी एनोमिनेटर मेरा था एक्स, डिनोमिनेटर मेरा था वाई, दोनों में से एक एक हटाने पे 1/3 हो जाती है। पहला इक्वेशन को सोल्व खुद को करना पड़ेगा। दूसरा इक्वेशन बनाया कि एक्स में से वही एनोमिनेटर वही डिनोमिनेटर दोनों में एक एक जोड़ा है, भिन्न बन गई 1/2, यहाँ से सोल्व करा एक्स की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ से सोल्व किया वाई की वैल्यू आ गई 7, दोनों को जोड़ो 3+7 आपके सामने इजी से वैल्यू है 10, ऑप्शन एक करेक्ट है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, तीसरा क्वेश्चन लिखवाते हैं आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं का गुणनफल, एक हजार दो सौ साठ एक 2160 है तथा उनका एचसीएफ, इसको बोलते हैं बहत्तर समापवर्ते 12 है। तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, और आपके सामने ऑप्शन ए 360, बी 180, सी 200 और डी 400। ठीक है, क्यों क्लिक। जल्दी से, इसमें तो 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। ठीक है, आने वालों के आंसर आ चुके हैं, देखो क्या है आंसर, 180। कैसे आया, दो संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन जिसको नहीं समझ रहा है वो एक बार फिर से समझ लो, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो कि क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसी के इक्वल में क्या होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको कुछ नहीं करना, आपको दे रखा है 2160 है और एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू एलसीएम रख दो गुणा में एचसीएफ, आपको 12 दे रखा है, ये इसमें गुणा में इधर आगे डिवाइड में, यानी 2160 में 12 का डिवाइड करना है और ये अपना क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड करेंगे, ऑप्शन 180, 12 एकम 12 बच गए 9, 12 9 12 96 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल मजा आएगा क्वेश्चन करके। क्वेश्चन 4, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों की, 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 केजी है, 38 केजी है, उसी नाव तथा उन व्यक्तियों का
उन व्यक्तियों का कुल औसत भार, औसत भार उसी नाव में उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 केजी है। तो नाव का भार क्या होगा, नाव का भार क्या होगा? ऑप्शन ए 128 केजी, ऑप्शन बी 122 केजी, ऑप्शन सी 132 केजी, ऑप्शन डी 142 केजी। ठीक है, क्यों क्लियर, जल्दी से सॉल्व करो। देखो आंसर आना हो जिसका आ गया, देखो कैसे कि एक नाव में पांच व्यक्ति बैठे हैं, ये अपनी एक नाव है उसमें पांच व्यक्ति बैठे हैं, तब उसका वजन कितना है 38 केजी, पांच व्यक्तियों का है, यानी कि मैं सिर्फ पांच व्यक्तियों की बात करूं तो उसका 38 केजी यानी 190 केजी वजन है। ऑप्शन करेक्ट आंसर अपना आ चुका है 122 केजी। देखो अब क्या कहते हैं, उसको नाव को भी शामिल कर लिया जाए तो उसका औसत भार कितना हो जाता है, या तो यहाँ ये बोलेगा कि 14 केजी बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन अगर बढ़ भी जाता है ना यहाँ पे तो भी वो एक ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से 14 केजी बढ़ाओगे तो 52 केजी हो जाएगा, लेकिन आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, इतना घुमाया नहीं है, आपको क्या बोला है कि नाव को शामिल किया, यानी पांच तो व्यक्ति थे, एक नाव शामिल हो गई, अब टोटल कितने हो गए 6, और उनका औसत भार 52 केजी है, इन दोनों को गुणा करो, यानी इसको 6 × 12 5 31 और 1 31, यानी 190 312 यानी 6 का है, पांच व्यक्तियों को घटा देगा तो बचा हुआ किसका आ जाएगा, नाव का, वो कितना आ जाएगा 122 केजी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी को आई होप क्वेश्चन करके मजा आया होगा, क्लास बहुत ही शानदार रही है। ठीक है, और जिसको पसंद आया सेशन पूरा वो ज्यादा से ज्यादा लाइक करे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। ठीक है, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, इससे और भी शानदार है तो अपन एग्जाम से पहले एक 40 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से 40 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज निकालने वाले हैं, डेली आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन होंगे और आपको कम से कम एग्जाम लेवल के 20 या 25 क्वेश्चन जितने अपने क्लास में सफिशियंट हो पाते हैं उतने क्वेश्चन डेली सोल्व करवाएंगे, बाकी क्वेश्चनों के आपको पीडीएफ दी जाएगी, ऐसे टेस्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो अगर आपको जरूरत है तो जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा वैसे अपन एक एक टेस्ट सीरीज लेते आएंगे। तो सभी के लिए आपसे अनुरोध, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट मानो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।